दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यहाँ पर एमोलेड पैनल और यहाँ पर आईपीएस एलसीडी पैनल होता है बेसिकली उनके बारे में यहाँ पर कंपैरिजन करके बताऊंगा यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर नया फ़ोन लेने चाहते हो तो आपको यहाँ पर एमोलेड पैनल लेना चाहिए फिर आईपीएस पैनल लेना चाहिए, इसके भी यहाँ पर आज मैं फुल यहाँ पर कंपेरिजन करने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा दोस्तों, आपको जो समझ में आती है ना टेक्निकल भाषा नहीं समझाऊंगा, आपको साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगी कौन सा फ़ोन ले कौन सा फ़ोन ना ले। तो चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखिएगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म की, जो एलसीडी पैनल होता है उसका तो आपको पता ही होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और वहीं बात करें हम यहाँ पर एमोलेड की तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी, जहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपको जैसे सिंपल भाषा में समझाऊँ जो एलसीडी पैनल होता है उसमें क्या होता है कि एक लेयर होती है जहाँ से लाइट आती है, ओनली एक ही बल्ब होता है एक तरह से समझाया जाए तो, और यहाँ पर एलसीडी पैनल होता है, ठीक है। और वहीं बात करें हम यहाँ पर इसमें एमोलेड पैनल की, तो एमोलेड पैनल में क्या होता है कि आपको यहाँ पर मल्टीपल एलईडी देखने को मिलेगी, यहाँ पर मल्टीपल्स आपको बल्ब्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बल्ब्स आपको यहाँ पर ज़्यादा बल्ब देखने को मिलेंगे एलईडी के हिसाब से, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर मल्टीपल्स देखने को मिलेंगे तो कलरफुल होगा, उसके ऊपर यहाँ पर आपको एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा। और एमोलेड पैनल में यहाँ पर मल्टीपल बल्ब्स होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है ना डिस्प्ले की वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पर इसके प्रो एंड कॉन्स की, तो आपको यहाँ पर जो एलसीडी पैनल होता है उसके प्रोज ये है कि आपको यहाँ पर एलसीडी पैनल होता है वो सस्ता होता है, चीप होता है, ठीक है। अगर आपका कभी कभी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है या कुछ रिप्लेस करवाना होता है आपको एलसीडी पैनल में, तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि सस्ते में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और आपको एलसीडी पैनल में जो व्हाइट कलर होते हैं ना वो यहाँ पर आपको थोड़े ब्राइट देखने को मिलते हैं, जो व्हाइट कलर की लाइट है ना वो थोड़ी ब्राइट देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर एलसीडी पैनल के कॉन्स की बात करें तो कॉन्स ये है कि आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता यार, गुड नहीं होता एक तरह से देखा जाए तो, कॉन्ट्रास्ट का जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा मतलब नहीं लगता है मेरे हिसाब से देखो तो यहाँ पर। और आपको यहाँ पर जो एलसीडी पैनल है उसमें यहाँ पर ना तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। वैसे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एलसीडी पैनल में आने वाला, लेकिन अभी तक नहीं आया, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार ये आईपीएस पैनल में, यहाँ पर आईपीएस एलसीडी पैनल में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट करता हो, तो ऐसा तो नहीं है। बाकी ये कौन सी यही है कि आपको कॉन्ट्रास्ट कम है, फिंगरप्रिंट नहीं करता थोड़ा सा यहाँ पर ये है। और यहाँ पर अब बात करें एमोलेड पैनल की, तो एमोलेड पैनल में दोस्तों आपको कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, और एमोलेड पैनल आपको यहाँ पर महंगे देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये महंगे फोन्स के साथ में आते हैं, फ्लैगशिप फोन्स के साथ में आते हैं। इसमें यहाँ पर अगर कलर की बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो इंडिविजुअल एलईडी होती है बेसिकली वो क्या करती है कि आपको ब्लैक कलर खोल रखा है आपने तो ब्लैक की थीम को ज़्यादा करेगा, यहाँ पर व्हाइट को डाउन कर देगा, ब्लैक को ही यहाँ पर हाईलाइट कर देगा, व्हाइट खोल रखी है तो व्हाइट को हाईलाइट कर देगा, ब्लैक को डाउन कर देगा, इंडिविजुअल होने की वजह से इसमें यहाँ पर वर्क अच्छा होता है। और आपको यहाँ पर ये एमोलेड पैनल है ना वो पावर एफिशिएंट होता है, बैटरी आपकी कम खपत करेगा बेसिकली देखा जाए तो। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, तो कॉन्स ये है कि आपको जो यहाँ पर इंडिविजुअल एलईडी जलती है ना, जो इंडिविजुअल एलईडी जलने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ब्लैक डाउन किया वो डाउन लाइट ऐसे करने के आपको इसके यहाँ पर ज़्यादा नहीं कहूँगा 3 साल बाद 4 साल बाद आपको यहाँ पर बर्निंग इश्यूज़ देखने को मिल जाती है, यानी कि एक तरह से ख़राब होने की स्थिति आ जाती है। जैसे ही आप देखते हो कि एमोलेड पैनल में इधर खराब गया तो पूरा पैनल ख़राब करता हुआ चला जाता है वो, तो ये इसीलिए यहाँ पर एक तरह से कौन से इसमें। और अगर हम बात करें लाइफ टाइम वैल्यू की, मतलब आपको यहाँ पर लाइफ के हिसाब से कितनी किसकी लाइफ है किसनी किसकी नहीं है, तो 5 साल के हिसाब से यहाँ पर आईपीएस एलसीडी पैनल की अगर मेरा हिसाब से माना जाओ तो 4 से 5 साल है, और वहीं एमोलेड पैनल की 3 से 4 साल है। बस ये है कि कॉस्टली ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गेमर हो, गेमिंग के हिसाब से चाहिए, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर आईपीएस पैनल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप गेमिंग खेलते हो ना तो आईपीएस पैनल के हाईर रिफ्रेश रेट के साथ, ये भूल गया था मैं, आपको 90 रिफ्रेश रेट मिलता हो या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा हो आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ में, तो आप उसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि आप गेमिंग करोगे ना तो आपको यहाँ पर एमोलेड पैनल में कुछ ना कुछ डैमेज देखने को मिल सकते हैं, ये डेफिनेटली दोस्तों आपको मिलेगा क्योंकि इंडिविजुअल एलईडी होंगे ना, तो इसी वजह से। और अगर आप यहाँ पर नॉर्मल करना चाहते हो, मल्टीमीडिया ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो, वीडियोस को ज़्यादा स्ट्रीम करना चाहते हो, आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो, तो आप एमोलेड पैनल की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कि आपको कौन से पैनल की तरफ जाना चाहिए, अगर आप यहाँ पर नया फ़ोन ले रहे हो तो आप यहाँ पर आईपीएस एलसीडी की तरफ जाना चाहिए या फिर एमोलेड की तरफ जाना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इसी वीडियो से रिलेटेड या फिर अन्य कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।